संता मेरी बीवी बिजली है बिजली, बनता तो जरा उससे पूछ कि हर 2 घंटे बाद कहाँ चली जाती है। एक बार पप्पू डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब सुना है आप मरीज लाने वाले को कमीशन देते हैं। डॉक्टर, कहाँ है मरीज? पप्पू, जी मैं ही हूँ। डॉक्टर बेहोश। मुन्नू कल एक पहलवान ने मेरे भाई को पीटा, मुझे पता लगा तो मैं तो सीधा उसके घर घुस गया। चुन्नू तो फिर क्या हुआ? मुन्नू वही जो मेरे भाई के साथ हुआ, पहलवान ने मुझे भी खूब पीटा यार। गजोधर रात को सो रहा था कि अचानक उसका फोन बजा, दूसरी तरफ से लड़की की आवाज थी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगता जी। गजोधर तो तुम मुझसे शादी कर लो, दूसरी तरफ से आवाज आई, इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 2 दबाए। पप्पू की पत्नी रात को सुनिए, जरा उठिए और देखिए अलमारी के पास चोर खड़ा है। पप्पू, उसके पास हथियार हुआ तो? पत्नी, अरे आप घबराओ मत, आपका तो इंश्योरेंस है पर गहनों का नहीं है। एक लड़की की शादी एक शक्की मिजाज आदमी से हो गई। पहले दिन पति ने ऑफिस से फोन किया, कहाँ हो? पत्नी, घर पर। पति, घर पर हो तो मिक्सी चलाओ। पत्नी ने मिक्सी चलाकर उसकी आवाज फोन पर पति को सुनाई, गर्र। दूसरे दिन पति ने फिर फोन किया, पति कहाँ हो? पत्नी, घर पर। पति, घर पर हो तो मिक्सी चलाओ। पत्नी ने फिर मिक्सी चलाई, गर। तीसरे दिन पति ने फोन नहीं किया, बल्कि चेक करने के लिए सीधा घर पहुंच गया। वहां जाकर पाया कि पत्नी घर पर नहीं थी। नौकरानी से पूछा तो उसने बताया, मेम साहब तो आपके ऑफिस जाने के बाद ही चली गई थी, पर साहब एक बात समझ में नहीं आई कि साथ में मिक्सी ना जाने क्यों ले गई। ले, पति बेहोश। एक सच बात, माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों न हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है वो दुनिया के किसी स्कूल में नहीं।